अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा इनाम, आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। लेट ऑन मैथ डी एम हिस्ट्री में हम लोग आ गए हैं अगेन एक अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म जो कि थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन में ही मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा वो पिछली शायद वीडियो में बताना भूल गई कि उन्होंने हमें बोला था कि फाइंड करनी है हमें नेचुरल लॉग ऑफ एफ, इसीलिए हमने नेचुरल लॉग जो है अप्लाई किया था। ठीक है, वरना बेसिकली जब हम लोग जो है इंटरमीडिएट फॉर्म सॉल्व करते हैं तो हम लोग नेचुरल लॉग पुट नहीं करते उसको, हम लोग एज इट इज़ जैसा हमें फंक्शन गिवन होता है वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 है जिसमें हमें फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त सा गिवन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास x की पावर 1/x। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फंक्शन है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने जो है फंक्शन की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक्स फॉर बी ए बी एस सी एंड फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये है हमारा फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 7 ऑन पेज 499। एग्जाम्पल 7 हमें फंक्शन गिवन है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ फंक्शन गिवन है हमें लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/x, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, यानी नेचुरल लॉग हमने पुट करना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हम जो है यहाँ पर बोथ साइड जो है मतलब फंक्शन तो गिवन है, फंक्शन पे क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एंड ये क्या है हमारे पास, ये है एक्स की पावर 1/x। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग पुट करेंगे जैसे कि हमें गिवन है, तो ये हो गया नेचुरल लॉग। ठीक है, हम नेचुरल लॉग यहाँ पर नहीं यहाँ पर पुट करते हैं फंक्शन के साथ। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग जो है फंक्शन के साथ पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग बिना लिमिट के सबसे पहले फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एंड 1/x। नाउ अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ऑफ नेचुरल लॉग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पावर रूल यूज़ करेंगे जिससे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, नेचुरल लॉग ए की पावर बी इक्वल टू बी नेचुरल लॉग ऑफ ए। पावर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है हमारे पास, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 1/x और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड दैट्स ऑल, हमारे पास ये फंक्शन जो आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है x गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलिए इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/∞ नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा ∞/∞, द सेकेंड मोस्ट फेमस जो है हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। 0/0 फर्स्ट फेमस है और सेकंड है ∞/∞, तो इसलिए मैं इसको बोलती हूँ सेकंड मोस्ट फेमस इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल्स मैं करवा चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इसीलिए मैं ना इसकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आजकल देती हूँ। ठीक है, आजकल मैंने डिस्क्रिप्शन पर काम करना शुरू किया है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, तो होप कि ये जो चीज़ें हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब ये हम बोलेंगे कि ये है हमारे पास सेंस ∞/∞ इज एन इंटरमीनिएट फॉर्म, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी। ठीक है, इंटरमीनिएट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा दी ग्रेट एल हॉस्पिटल रूल। कहाँ पे यूज़ करेंगे हम उसको, इस वाले जो है इक्वेशन पे यूज़ करेंगे, ध्यान में रखिएगा, जिसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं और इंटरमीडिएट फॉर्म आती है उसी इक्वेशन पे हमने क्या करना होता है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो चलिए यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, शुरू में हम इसको बोलते थे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, हम लोग बोलते थे एल हॉस्पिटल रूल, तो एक दूसरे पे हंसी भी करते थे सारे फ्रेंड्स के हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोल रहे हैं यार। और अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ, हमने गलती से हॉस्पिटल लिख भी लिया था, इतना ज़्यादा सीरियस हो गए थे हम हॉस्पिटल को लेके। ठीक है ना, कि हम लोग ने इधर लिखा था एल हॉस्पिटल रूल, तो
तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है हमने एक दूसरे को रोस्ट किया था, बहुत मजा आया था। ऐसी चीजें जो होती है अक्सर अक्सर जब मैथ्स में कोई ऐसा नाम आता है ना जो मुश्किल सा होता है, उस पे फिर बहुत मजा आता है जब एक दूसरे को ना फ्रेंड्स जब रोस्ट करते हैं। तो आप बताइएगा कि आप ऐसे कौन सा जो है रूल है जिस पे आप फ्रेंड्स ने एक दूसरे को रोस्ट किया हो। ठीक है, हम तो एल हॉस्पिटल रूल पे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, हमने एक दूसरे को बड़ा रोस्ट किया था सबने। और देखिए इतना रोस्ट किया था कि एल हॉस्पिटल लिख भी लिया था। ठीक है, टीचर हमें बोलती है बेटा ये हॉस्पिटल लिखा है आप लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं अपने जो है काम के साथ। कहाँ कर रहे थे हम? एल हॉस्पिटल, एल हॉपिटल रूल जो है वो अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बी सी डी एस, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हम लोग जो है एफ ऑफ डैश एक्स लेंगे, ठीक है, एंड जी ऑफ डैश एक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा ऊपर वाला फंक्शन, ये है हमारा नीचे वाला फंक्शन। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं डिटेल से खैर लिख देती हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड डी बाई डी ऑफ एक्स विथ एक्स। ठीक है, तो लिमिट तो एज इट इज होगी क्योंकि अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की। नेचुरल लॉग एक्स हमें देता है 1/x और एक्स हमें क्या देता है, 1। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये हमें देगा लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 1/x विथ 1। ठीक है, वही चीज है मैंने यहाँ पर लिख दी ताकि अब मैं लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। तो जब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूंगी तो 1/∞ और बाय 1। 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 होता है, 0/1 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0। और हमारे पास आंसर 0 आ गया, तो ये एक हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, ये एक डिफाइंड वैल्यू है। तो जब डिफाइंड वैल्यू आ गई है तो यानी हमारा जो काम है वो खत्म हो गया है। और इसी के साथ हमें पता चल गया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दी मोस्ट सेकेंड फेमस इंटरमीडिएट फॉर्म किस तरह से सॉल्व की जाती है। होप क्या सबको भी जो है ये समझ आ गई होगी। एंड मोस्ट और जो है इसकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड 0 to 0 मतलब 0/0 इन्फिनि 0/0, इन दोनों की अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देख रही हैं और भी, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। दोनों की एग्जाम्पल्स मैंने 2-3 करवाई हुई है, और थोड़ी मुश्किल थोड़ी आसान दोनों करवाई है, स्टेप बाय स्टेप करवाई है, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में एक थर्ड जो है हमारे पास फेमस है, इतनी भी फेमस नहीं है, लेकिन वो है हमारे पास 0 × ∞। ये भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। एक और भी है, एक और भी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सारी की सारी मैंने नीचे इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओहो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7.4 की एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।